सो हेलो गाइस, और अभी हम जा रहे हैं आंवला की खेती में। और पीछे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आंवला के पेड़ हैं। और चलिए आपको ले के चलते हैं आंवला की खेती में और दिखाते हैं कैसे होते हैं आंवला और कैसा यहाँ पे खेती होता है। मैं अभी प्रेजेंट टाइम में प्रतापगढ़ में हूँ और प्रतापगढ़ में मैं आ रखा हूँ घूमने के लिए। तो मैं सोचा कि एक ब्लॉग ये भी कवर कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि प्रतापगढ़ में खेती कैसा होता है। आंवला की खेती जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो है ये आंवला का पेड़ है। और चलिए आपको सामने से दिखाता हूँ। तो ये है आंवला का पेड़ और जैसा कि आप सामने को देख पा रहे हैं, भैया तोड़ रहे हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं नज़दीक में। इतना ढेर सारा यहाँ पे आंवला तोड़ा गया है और इसको बेचा जाएगा। भैया ये कौन से रेट में जाता है, बोरे के हिसाब से? अच्छा, सेठ बता सकते हैं, तभी कुछ तो अनुमान होगा। कुंटल के हिसाब से कैसे जाता है फिर? किलो के हिसाब से जाता है, कुंटल के हिसाब से जाता है? हाँ, मन के हिसाब से। अच्छा, कैसे जाता है मन के हिसाब से? 40 रुपया किलो मन। फिर तो हाँ, आंवला का। अच्छा, और देखिए मार्केट में जैसा कि ये आंवला का पेड़ है और मन आई थिंक सो हमको लगता है 30 किलो का एक मन होता है ना, 40 किलो का, यानी कि वही 40-50 रुपये या 1 रुपया किलो के आसपास ये यहाँ से तोड़ के जाता है। और उसके बाद से मार्केट में लगभग 30-40 रुपये के आसपास किलो आता है। और देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और अभी तोड़ाई चल रही है आंवला की। अभी मैं आंवला के खेती में ही था फ्रेंड्स, और जैसा कि आप देख पा रहे थे भैया सामने थे और आंवला तोड़ रहे थे। फिर मैं जो है उनसे पूछा कि कैसे केजी जाता है। लगभग 1 रुपये केजी यहाँ से तोड़ के जाता है और मार्केट में वही चीज़ 30-40 रुपये के आसपास हो जाता है। तो मैं अभी हूँ प्रतापगढ़ में और यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो